नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन को ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। शार्क टैंक इंडिया देश के सबसे फेमस शो में से एक बन गया है। पिछले सीजन की तरह ही शार्क टैंक इंडिया का ये सीजन भी धमाल मचा रहा है। इस शो में एक से बढ़कर एक एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और अपने स्टार्टअप से जुड़े बिजनेस आइडिया को बताकर फंडिंग हासिल कर रहे हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर ने अपने शानदार बिजनेस मॉडल और आइडिया के जरिए शो के शार्क्स को इम्प्रेस करने में सफल रहे, जिसकी वजह से शो को जज पैनल में बैठे शार्क ने इन स्टार्टअप्स में दिल खोलकर पैसा लगाया। तो वहीं कई ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो इस शो में बिना फंडिंग मिले खाली हाथ बाहर आए। आपको बता दें कि शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के जजों के पैनल में शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, बोट के सीएमओ और को फाउंडर अमन गुप्ता, लिंक स्कार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल, सुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ विनीता सिंह, कार देखो .com के सीईओ अमित जैन और फार्मा की नमिता थापर शामिल हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसा ही स्टार्टअप्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया 2 शो में ऑल शार्क डील्स हासिल की है। तो चलिए जानते हैं इन स्टार्टअप्स के बारे में। ये शार्क टैंक इंडिया के दूसरे सीजन में 5 शार्क डील्स या ऑल डील्स हासिल करने वाला पहला स्टार्टअप है। स्निच मेंस फास्ट फैशन क्लोथिंग ब्रांड है जो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से स्टाइलिश डिजाइन करता है। इसकी शुरुआत सिद्धार्थ रोंगरोवाल ने की है। उन्होंने शार्क टैंक इंडिया के एपिसोड में शार्क्स को कंपनी में 0.5% इक्विटी से के लिए 1.5 करोड़ रुपए की डील के लिए ऑफर दिया। उन्होंने अपनी पिच से सभी शार्क्स को इम्प्रेस कर दिया, जिससे शार्क्स कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। शार्क ने सिद्धार्थ को 1.5% इक्विटी के लिए 1.5 करोड़ रुपए की फंडिंग का काउंटर ऑफर दिया, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये शार्क टैंक के दूसरे सीजन को पहली ऑल शार्क्स डील बन गई। ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी स्टार्टअप फार्माला की शुरुआत जून 2020 में अचिन दयाल, अर्जुन रघुनंदन और दीपेश राजपाल ने की थी। इस स्टार्टअप का मकसद सीनियर सिटीजन के लिए दवाओं की पहचान करके उसकी खुराक की प्रक्रिया को आसान बनाना है। कंपनी के फाउंडर ने शार्क से सामने 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बदले कंपनी ने 1.5% इक्विटी देने की मांग की, लेकिन इसमें शार्क टैंक इंडिया के सभी शार्क्स ने 5% इक्विटी के लिए 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।